क्या मानवी और क्या खास, सब कोरोना के आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है कि लोगों को बचाया जाए। इस सब के बीच कुछ लोग कोरोना को मात दे देते हैं तो कुछ कोरोना के सामने हार जाते हैं। एक्टर और यूट्यूबर राहुल वोहरा एक ऐसे ही शख्स थे जिन्हें कोरोना ने हरा दिया, लेकिन वो आखिरी दम तक कोरोना से लड़ते रहे और जाते जाते सरकार पर सवाल उठा गए। अपने आखिरी पोस्ट में उन्होंने लिखा, अगर उन्हें बेहतर इलाज मिल पाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। सोशल मीडिया पर हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है, मदद के लिए लोग एक दूसरे से अपील कर रहे हैं। इसी उम्मीद में राहुल वोहरा भी मरने से पहले सोशल मीडिया के जरिए अच्छे इलाज की गुहार लगाते रहे, लेकिन इलाज के अभाव ने एक एक्टर की जान ले ली। राहुल का लिखा आखिरी पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। राहुल लिखते हैं, मुझे भी ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाता तो मैं भी बच जाता। तुम्हारा राहुल वोहरा। नाम राहुल वोहरा, उम्र 35 साल, अस्पताल का नाम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ताहिरपुर, दिल्ली, बेड संख्या 6554, छठवां फ्लोर, बी विंग, HDU। जल्द जन्म लूंगा और अच्छा काम करूंगा, अब हिम्मत हार चुका हूं। 4 मई को पोस्ट कर राहुल ने बताया था, मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, 4 दिन से एडमिट हूं, लेकिन कोई रिकवरी नहीं है। क्या कोई ऐसा अस्पताल है जहां ऑक्सीजन बेड मिल जाए, क्योंकि यहां मेरा ऑक्सीजन लेवल लगातार नीचे जा रहा है और दिल्ली में कोई देखने वाला नहीं। मैं बहुत मजबूर होकर ये पोस्ट कर रहा हूं क्योंकि घर वाले कुछ संभाल नहीं पा रहे।